वेलकम बच्चों, आज हम लोग साइन की स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू निकालना सीखेंगे। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। बच्चों देखें, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कैसे सीखेंगे, ध्यान दें। देखिए, ये आपका 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। सबसे पहले बात करेंगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू। तो इसके पहले कितनी उंगली है, इसके पहले तो कुछ नहीं है, तो 0 अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, 0 और अपॉन में 2। किस तरह से, 0 0 लिखेंगे अंडर रूट के अंदर और अपॉन में 2। बच्चों कुल मिला के ये 0 आ जाएगा, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब आप फिर से ध्यान दें, ये 0 डिग्री था, ये साइन 30 डिग्री के लिए कैलकुलेट करेंगे। ये 30 डिग्री है, तो इसके पहले कितनी उंगली है, 1, इसके पहले 1 है, इसको रूट के अंदर लिखेंगे और अपॉन में हमेशा की तरह 2। तो यहां पे आप लिखेंगे रूट के अंदर 1 और 2, बच्चों कितना आ जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा 1/2। फिर से ध्यान दें, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो इसके पहले कितना है, 1, 2, तो 2 को हम रूट के अंदर लिखेंगे और अपॉन में 2, रूट के अंदर 2 और अपॉन में 2 लिखेंगे। बच्चों ध्यान दें, रूट 2, इस 2 को हम दो बार लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बच्चों बचेगा 1/√2, तो साइन 45 डिग्री हो गया 1/√2। अब साइन 60 डिग्री, तो आप फिर से ध्यान दें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 60 डिग्री, अब इसके पहले कितनी उंगली है, 1, 2, 3, तो रूट के अंदर हम लोग 3 लिखेंगे अपॉन में 2, रूट 3 अपॉन 2, ये हो गई साइन 60 की वैल्यू, रूट 3 बाई। अब फिर से देखें साइन 90 की वैल्यू, तो आप फिर से ध्यान दें, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बच्चों आप ध्यान दें, साइन 90 की वैल्यू निकाले, तो इसके पहले कितनी उंगली है, 1, 2, 3, 4, इसको रूट के अंदर लिखेंगे और हमेशा की तरह अपॉन में 2, ये आ जाएगा 2/2, बच्चों ये आ जाएगा 1। तो आपने देखा कितनी आसानी से इन वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से, जहां पे आप एक बार समझ जाएंगे तो आसानी से आप सारी वैल्यूज बता देंगे। फिर से एक बार देखें, साइन 0 डिग्री, तो अपॉन में अंडर रूट 0/2, यानी 0 आ गया। साइन 30, रूट के अंदर 1, अपॉन में 2, 1/2 आ गया। साइन 45, अंडर रूट 2, अपॉन में 2, ये 1/√2 हो जाएगा। साइन 60, 1, 2, 3, रूट में 3, अपॉन में 2। साइन 90, रूट के अंदर 4, अपॉन में 2, यानी 1। सोचो, बहुत आसान तरीका था, आप प्रैक्टिस करें तो आप आसानी से सीख जाएंगे चुटकियों में। धन्यवाद।